कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन से निकले इस खतरनाक वायरस से दुनिया भर में अब तक 1,71,85,927 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,70,200 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं बनी है, हालांकि कई वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। इस बीच कोरोना वायरस के इलाज के लिए रूस की वैक्सीन एक बार फिर चर्चा में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार रूस 10 से 12 अगस्त के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन का पंजीकरण कराने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को मॉस्को के गैमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा बनाया गया है और इसे पंजीकरण के 3 से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुमति मिल जाएगी। यह वही वैक्सीन है जिसके बारे में इस महीने की शुरुआत में मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने की सूचना मिली थी। इस वैक्सीन ने जुलाई के 2 सप्ताह में ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण पूरा किया था और इसका दूसरा चरण 13 जुलाई को शुरू हुआ था। आमतौर पर किसी वैक्सीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए तब तक अनुमति नहीं मिलती है जब तक वो मानव परीक्षणों के 3 चरणों को पूरा नहीं करती है। इस बीच सभी चरण कई महीनों तक चल सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस दूसरे चरण के परीक्षणों को जल्दी समाप्त करने की योजना बना रहा है और तीसरे चरण के बिना इसे उपयोग के लिए मंजूरी दे रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि गामलेया वैक्सीन का अगस्त में पंजीकरण हो सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे उपयोग के लिए अनुमति मिल जाएगी, यहाँ तक कि तीसरा चरण भी किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन का उत्पादन सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। जब तक परीक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक यह टीका केवल स्वास्थ्य पेशेवरों को ही दिया जाएगा। दुनिया भर में अब तक 1,71,85,927 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,70,200 लोगों की मौत हो गई है। इससे सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित हुआ है और यहाँ संक्रमितों की संख्या 45 लाख के पार है और मरने वालों का आंकड़ा 1,53,840 हो गया है। इसके बाद ब्राजील, भारत और रूस सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 15 लाख पार कर गई है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।